हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस पर बात करने वाले हैं तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अपने वीडियो पे और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो सबसे पहले हम समझते हैं एबीसी एनालिसिस क्या होता है एबीसी एनालिसिस एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है जिसकी हेल्प से बिजनेस के लिए इन्वेंट्री या प्रोडक्ट वैल्यू के इंपॉर्टेंस को डिटरमाइन किया जाता है डिमांड कॉस्ट और रिस्क ये वो फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पर मटेरियल को क्लास में डिवाइड किया जाता है ए बी सी एनालिसिस से यह डिटरमाइन किया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्लास को कैसे डिफाइन किया गया है ए बी सी में इसमें जनरली तीन क्लासेस होती हैं क्लास ए क्लास बी और क्लास सी सबसे पहले हम क्लास ए को समझते हैं क्लास ए प्रोडक्ट्स हाई वैल्यू इन कॉस्ट होते हैं और ये रेवेन्यू जनरेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कैटेगरी के प्रोडक्ट्स की मिनिमम स्टॉक मेंटेन किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉस्ट इज़ टू हाई क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है इसलिए इसकी मिनिमम इन्वेंट्री कैरी की जाती है क्लास बी इस क्लास के प्रोडक्ट मिड लेवल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिसकी वैल्यू क्लास ए प्रोडक्ट से कम होती है और इसकी इन्वेंट्री क्लास ए प्रोडक्ट से ज़्यादा रखी जाती है क्लास सी क्लास सी कैटेगरी एक जनरल कैटेगरी प्रोडक्ट्स है इसमें ह्यूज वॉल्यूम इन्वेंट्री कैरी की जाती है और इससे बिजनेस में लीस्ट रेवेन्यू जनरेट होता है इस क्लास में प्रोडक्ट्स का मिनिमम रिकॉर्ड और मिनिमम एस्टिमेट रखा जाता है चलिए फ्रेंड्स अब ए एनालिसिस कैसे परफॉर्म करना है उसको समझते हैं सबसे पहले समझेंगे आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सबसे पहले हमको ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है एबीसी एनालिसिस से लोअर प्रोक्यमेंट कॉस्ट और कैश फ्लो को इंक्रीज करना ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ये हमारा टारगेट होता है टारगेट्स को मीट करके उसके ऑप्टिमाइजेशन लेवल को इन्वेंट्री के ऑप्टिमाइजेशन को मीट करना होता है कलेक्ट डाटा जो भी इन्वेंट्री कैरी की हुई है उससे रिलेटेड डाटा को कैदर करना जैसे कि एनुअल स्पेंड ऑन ईच आइटम कॉस्ट ऑन ईच आइटम वेटेड कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट डाटा को गैदर करना जिसके बेसिस पर एनालिसिस परफॉर्म किया जा सके शॉर्ट बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इंपैक्ट, एबीसी एनालिसिस फार्मूले से सभी प्रोडक्ट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर बाय कॉस्ट कॉस्ट के अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फ्रॉम हाई इंपैक्ट प्रोडक्ट टू लो इंपैक्ट प्रोडक्ट ऑन रेवेन्यू कैलकुलेट द सेल्स इम्पैक्ट सेल्स इम्पैक्ट में हम जितने भी इन्वेंट्री आइटम हैं उनका एनुअल सेल्स पर इम्पैक्ट फाइंड आउट करते हैं यह इम्पैक्ट परसेंटेज या फ्रैक्शन में होता है जिससे कि लिस्ट के सारे आइटम्स को कंपेयर करने में यूज़ किया जाता है शॉर्ट आइटम्स इंटू बाई क्लासेस जब प्रोडक्ट्स की क्लास को डिफाइन कर लिया जाता है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन वेंडर कंसोलिडेशन शिफ्टिंग स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग मेथोडोलॉजी और ई प्रोकरमेंट इम्प्लीमेंटेशन पर वर्कआउट किया जाता है इससे सिग्निफिकेंट सेविंग तो होती है साथ में क्लास ए आइटम की स्टॉक अवेलेबिलिटी भी इंश्योर होती है एनालाइज क्लासेस जब कैटेगरीज और स्ट्रेटी कॉस्ट डिफाइन होने के बाद सक्सेस या फेलियर के लिए शेड्यूल रिव्यू और मॉनिटरिंग किया जाता है चलिए फ्रेंड्स अब एप्लीकेशन देखते हैं एबीसी एनालिसिस की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं सबसे पहले हम देखते हैं कि रिटेल रिटेल में क्या एप्लीकेशन है उसको समझते हैं रिटेल में बिजनेस के लिए मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को एबीसी एनालिसिस से फाउंड आउट किया जाता है और उस प्रोडक्ट को प्रमोट और एडोक्वाड स्टॉक भी मेंटेन किया जाता है ऑटोमोटिव ऑटोमोबाइल सेक्टर में लाइन वर्कर्स की अफेक्टिवनेस रिसोर्सेज के अफेक्टिव यूटिलाइजेशन और हाईस्ट परफॉर्मिंग इक्विपमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए ए एनालिसिस का यूज़ किया जाता है अब देखते हैं वेयर हाउसिंग वेयर हाउसिंग में कैसे ए बी एनालिसिस का यूज़ किया जाता है वेयरहाउसिंग में एबीसी एनालिसिस के थ्रू मोस्ट वैल्यूड प्रोडक्ट्स को बेटर वे में कंट्रोल किया जाता है और उस प्रोडक्ट का सफिशिएंट सेफ्टी स्टॉक भी मेंटेन किया जाता है ताकि वो स्टॉक आउट ना हो जाए मैनुफैक्चरिंग में कैसे देखते हैं ए एनालिसिस से मैनुफैक्चरिंग में प्रॉफिट इंक्रीज करने वाले ट्वेंटी प्रोडक्ट को क्लासीफाई किया जाता है इससे मैनुफैक्चरिंग में मैन मशीन और मटेरियल को ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट वाले प्रोडक्ट के लिए प्रायोरिटाइज किया जाता है चलिए फ्रेंड्स अब इसके ए बी सी एनालिसिस और परेटो प्रिंसिपल के बीच का रिलेशन देखते हैं जैसे कि सभी को मालूम है हम सबको मालूम है कि परेटो का एट्टी ट्वेंटी प्रिंसिपल कहता है अकॉर्डिंग टू एटी ट्वेंटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एट्टी परसेंट रिजल्ट जो है वो ट्वेंटी परसेंट फोर्ट से ग्रास्प हो जाते हैं सिमिलरली ए बी सी में भी है एट्टी परसेंट बिजनेस जो है वो ट्वेंटी परसेंट इन्वेंट्री प्रोडक्ट से अचीव हो जाता है जो कि क्लास ए प्रोडक्ट्स होते हैं देयरफॉर क्लास ए प्रोडक्ट्स हैव द है लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेशन इन बिज़नेस चलिए फ्रेंड्स इसमें हम देख रहे हैं यहाँ पे इमेज दिया है जो गूगल से लिया है यहाँ पे दो पिरामिड्स हैं पहले हम लोग लेफ्ट साइड वाले पिरामिड की बात करेंगे जो कि है पिरामिड है इसमें जो परसेंटेज पिरामिड एज सजेस्ट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स इसमें नंबर ऑफ इन्वेंट्री प्रोडक्ट्स को परसेंटेज में लिया गया है जैसे कि क्लास ए प्रोडक्ट है वो टेन परसेंट है इन्वेंट्री क्लास बी है ट्वेंटी परसेंट और क्लास सी जो है वो सेवेंटी परसेंट इन्वेंट्री स्टॉक है वहीं हम राइट साइड वाले पेमिड को बात करें जो कि पेरामि टू है जो कि परसेंटेज इन एवरेज इन्वेंट्री वैल्यू जो कि इन्वेंट्री वैल्यू को सजेस्ट कर रहा है अब देखिए क्लास ए प्रोडक्ट जो है वो सेवेंटी परसेंट हमारा इन्वेंट्री वैल्यू कैरी करता है क्लास बी ट्वेंटी परसेंट और क्लास सी टेन परसेंट मतलब हमारा क्लास सी की इन्वेंट्री जो प्रोडक्ट्स की इन्वेंट्री वो तो सेवेंटी परसेंट है लेकिन उसकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ टेन परसेंट है इसीलिए क्लास ए प्रोडक्ट जो है वो हाइस्ट इम्पैक्ट रेवेन्यू जनरेशन में इम्पैक्ट करते हैं चलिए फ्रेंड्स अब एडवांटेजेस देखते हैं ए बी एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेजेस इंक्रीज इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन इन्वेंट्री इंप्रूव इन्वेंट्री फॉरकास्टिंग बेटर प्राइसिंग इन्फॉर्म सप्लायर नेगोशिएशन स्ट्रेटिक सोर्स एलोकेशन बेटर कस्टमर सर्विस बेटर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कंट्रोल ओवर हाई कॉस्ट आइटम और सेंसिबल स्टॉक टर्न रेट ये कुछ एडवांटेजेस हैं एबीसी एनालिसिस के चलिए अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं एबीसी एनालिसिस के वो क्या क्या हैं पैरामीटर अनस्टेबिलिटी पैरामीटर अनस्टेबल होते हैं लिमिटेड पैटर्न कंसिड्रेशन लो इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन इससे लो ए बी सी एनालिसिस से लो इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होती है हाई रिसोर्स कंजम्पशन रिसोर्स का हाई वैल्यू में कंजम्पशन होते हैं वैल्यू प्लाइडनेस सिस्टम इनकम्पेटबलिटी अंडर सप्लाई और ओवर सप्लाई इशू लॉस रिस्क और मैंडेटरी स्टैंडर्डाइजेशन चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं थैंक यू फ्रेंड्स थैंक्स फॉर